हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएपुन जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो जीएसटी के टॉपिक को लेकर है। जीएसटी में GSTR 3B, अप्रैल की GSTR 3B में 2B की फिगर्स अपडेट नहीं हुई हैं, तो अब किस तरह से हम अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आज की वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहेगी, मैं आपको तरीका भी बताने वाला हूं। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है, वो भी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जो कि आपको 3B फाइल करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है। अदरवाइज क्या होगा कि आप रिटर्न तो फाइल कर देंगे पर वो गलत फाइल हो जाएगी, तो गलत फाइल होने की वजह से आपको उसके रिगार्डिंग नोटिस आ सकता है। तो जैसे कि ड्यू डेट ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, 24th ऑफ यहाँ पर मई की बात की गई है, अप्रैल के लिए यहाँ पर 24 तारीख तक का आप 3B फाइल कर सकते हैं अगर मंथली रिटर्न की बात करें। उसके अलावा जो QRMP वाले हैं, जो QRMP डीलर्स हैं, उनके लिए जो डेट है वो है 27, इसका मतलब वो 27 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि QRMP वालों के लिए मंथली केवल पेमेंट करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 3B में, वहाँ पर जाकर फाइलिंग का भी मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरह से, जब 2B में आपको डाटा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो अब आपको क्या करना है, किस तरह से भरना है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में रहेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। GST की वेबसाइट है www.gst.gov.in, इस पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर 3B की जो डेट है वो अपडेट हो गई है, अब यहाँ पर लेटेस्ट डेट आपको दिखाई देगी। करने के बाद हम यहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड पर जैसे क्लिक करते हैं तो मैंने बताया आपको यहाँ पर अब जो है डेट अपडेटेड आ रही होगी, आप जाकर चेक करेंगे। बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अभी भी 2B में जो है डाटा रिफ्लेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए, यहाँ पर GSTR 2 है, GSTR 2B है, हमने GSTR 1 फाइल की है, इसका मतलब मेरा डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। 24th डेट आ रही है जैसे मैंने आपको बताया था। अब मैंने यहाँ पर जैसे क्लिक किया है, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, वही आ रही है कि यहाँ पर जो डाटा आ रहा है 2B में वो रिफ्लेक्ट नहीं होके आ रहा। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो डाटा है वो रिफ्लेक्टेड नहीं आ रहा है। अब इसका क्या रीजन हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ इसका क्या रीजन है। जब हमने इससे पहले इसमें लॉगिन किया था, मतलब जैसे कि लास्ट डेट इसकी 20th होती है, तो हमने इसको 15th में जब लॉगिन किया था, तो लॉगिन के टाइम पे हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इस डाटा को, जैसे सेल की डिटेल्स आ रही थी यहाँ पर, हमने क्या काम किया, यहाँ पर इसको कन्फर्म किया और यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया। अब हमने इसको ऐसे सेव कर दिया, तो जब अगर आपने, ध्यान से सुनिएगा, GSTR 3B, अगर आपने एक बार यहाँ पर सेव 3B पर क्लिक कर दिया है, तो अब यहाँ पर आपका डाटा ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट नहीं होगा 2B के बेस पर। अब मैं आपको इसकी 2B दिखाता हूँ। इस वाले केस में मेरा 2B में डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, सारे इन्वॉइसिस टाइमली फाइल हुए हैं, अब मेरा 2B में डाटा दिख रहा है। देखिए, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, 2B के अंदर यहाँ पर डाटा आ रहा है, ये देखिए सारे इन्वॉइस यहाँ पर आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर ऑल टेबल्स पर क्लिक करूंगा तो मेरे सारे इन्वॉइस आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सारे इन्वॉइस मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ इन्वॉइस ऐसे हैं जो कि यहाँ पर इनवॉइस की डेट भी आ रही है, कुछ ऐसे इनवॉइस हैं जो कि टाइमली फाइल हुए थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे 11th मई से पहले फाइल हो रखे हैं। बट 11th मई से पहले फाइल होने की वजह से भी ये मुझे जो है मेरे डाटा में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं 2B में। तो अब यहाँ पर क्या सॉल्यूशन है, इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ 3B में जो कॉलम्स होते हैं, दोबारा से आप एक बार समझ लीजिएगा ध्यान से। मैंने अप्रैल की 3B खोल ली, अब हम यहाँ पर 3B पर क्लिक करते हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन रिटर्न पर, हम ऑफलाइन नहीं जाएंगे, हम ऑनलाइन ही फाइल करेंगे। अब जब हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद हमारे सामने विंडो इस तरह से आएगी। सबसे पहली विंडो है 3.1, इसमें हमारी सेल की समरी आती है जो हमारे GSTR 1 से ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होती है। बट फिर भी स्टिल आपको एक बार इसकी डिटेल्स को वेरीफाई करना है, जैसे टोटल टैक्सेबल वैल्यू आपकी मैच है नहीं है, IGST, CGST, SGST। इसी तरह से अलग अलग यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अलग अलग रो में अलग अलग वैल्यूज है। सबसे पहले अगर आपकी कोई जीरो रेटेड नील रेटेड नहीं है, मतलब नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई है, तो पहले कॉलम में आ जाएगी। फिर आपकी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई है जीरो रेटेड, तो सेकंड वाले में। अगर नील रेटेड एग्जेम्प्टेड है तो यहाँ पर। और RCM के केस में जहाँ पर रिवर्स चार्ज लगता है, मतलब आपने एज एन रिसिपिएंट कोई इनवर्ड सप्लाई लिया है गुड्स या सर्विस की, उस पर आपको टैक्स देना है, हालांकि इसका क्रेडिट एंड टू एंड मिल जाता है। और नॉन GST वाले बस इसके बाद कंफर्म कर देना है। सेकंड में क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट आता है, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, जहाँ पर पहली बात तो इंटर स्टेट सप्लाई कवर करता है, मतलब जब आप जहाँ पर भी आपका रजिस्ट्रेशन है उस स्टेट के अलावा किसी दूसरे स्टेट से यहाँ पर आप सप्लाई कर रहे हैं, उसमें भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को, या फिर UIN होल्डर को, मतलब जब आप इन तीनों में से किसी को सेल कर रहे होंगे। और इंटर स्टेट मतलब जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन है, जैसे हमारा केस में यहां पर दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है 07, जब मैं दूसरे स्टेट में करूंगा तो मुझे ये डिटेल देनी है। तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था यहां पर, क्योंकि मेरे सारे यहां पर जो सेल है
वो रजिस्टर्ड पार्टी को है। अब यहाँ पर नेक्स्ट में आईटीसी है, मेरा यहाँ पर आईटीसी नहीं आ रहा है, तो अब मैं यहाँ पर आईटीसी कैसे फिलअप करूंगा? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सिस्टम जनरेटेड 3B आपको मिलेगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है, तो ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पर। अब इस पीडीएफ फाइल को अब हम यहाँ पर डेस्कटॉप पर कहीं भी सेव कर लेते हैं, और मैं इसमें आपको यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ इसमें जो वैल्यूज आ रही होंगी, आप ध्यान से देखिएगा। ये सिस्टम जनरेटेड है तो इसका मतलब है इसमें डिटेल्स जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। अब ये फाइनल रिटर्न नहीं है हमारी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मेरी यहाँ पर सेल की वैल्यू आ रही है, अब यहाँ पर मैं देखता हूँ 3.2 में ये वो वाली वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एलिजिबल आईटीसी की, ध्यान से सुनिएगा, वो मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये पोर्टल का ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कि ये 2B का डाटा यहाँ पर नहीं आ रहा है, बट जब मैंने सिस्टम जनरेटेड समरी डाउनलोड किया है तो उसके अंदर ये डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब मैं 100% सेफ हूँ। जो रूल 36 सब रूल 4 कहता है कि जितना डाटा आपका GSTR 2B में आपको दिखाई देगा, डाटा से मीन्स परचेज ऑफ गुड्स या सर्विस, तो जितना भी डाटा आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा उतना आप आराम से क्लेम कर सकते हैं। तो अभी ये मेरा यहाँ पर मुझे दिख रहा है, क्योंकि मुझे 2A के बेस पे बिल्कुल रिटर्न फाइल नहीं करनी है। अगर किसी ने फाइल की है तो नोटिस आने के 100% चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर तो अभी यहाँ पर एक पैसे का भी ये डिफरेंस एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मैं यहाँ पर 8825 की फिगर लूंगा, IGST और CGST SGST इतने ही मैं यहाँ पर क्लेम करूंगा। तो इसमें क्या होगा कि फिर मुझे यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो मेरे ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड 3B में, मतलब 2B में मुझे दिखाई दे रहा है, और 3B में मुझे यहाँ पर फाइल करना है। सिस्टम जनरेटेड 3B में मुझे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रहा है, और 2B के अकॉर्डिंग ये डाटा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मेरे वेंडर्स ने इसको टाइमली फाइल किया है 11th से पहले, और मैं इसको आराम से यहाँ पर आराम से क्लेम भी कर सकता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब मैंने यहाँ पर कन्फर्म कर दिया, देखिए कन्फर्म करने के बावजूद यहाँ पर मुझे रेड फील्ड नहीं मिला, आप ध्यान से देख रहे होंगे। अगर ये कॉलम कॉलम नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो कॉलम है ये 4 एलिजिबल आईटीसी वाला, अगर ये फिगर भरने के बाद रेड हो रहा है, रेड का मीन्स है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा क्लेम किया है जो 2B में नहीं आ रहा है, तो फिर तो है प्रॉब्लम, फिर तो नोटिस आ सकता है। अब मैं अगर यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा भी मैं वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ, देखिए मैं अब यहाँ पर ये इंक्रीज कर दूँ, तो यहाँ पर तुरंत ये रेड फील्ड हो जाएंगे, और मुझे ये बॉक्स जो है, देखिए यहाँ पर जो मेरा बॉक्स है ये रेड हो जाएगा। तो आप जब भी 3B फाइल करें, ध्यान से सुनिएगा, 3B रिटर्न्स ऑलरेडी मेरे चैनल पर आपको मिलेंगी, चैनल पर काफ़ी सारे यहाँ पर रिटर्न्स फाइलिंग को अपलोड किया गया है, बेसिक फाइलिंग्स को, रजिस्ट्रेशन को। बट ये वाला जो पार्ट है, ये जो अप्रैल में जो प्रॉब्लम आ रही है, इससे पहले प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, अब ये क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अगर मैं जरा सा भी एक्सेस क्लेम कर सकता हूँ, यहाँ पर 1 रुपये का भी इन्होंने लिया है, अगर मैं 1 रुपये भी अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा लेता हूँ जितना मेरा 2B में आ रहा है, तुरंत ये रेड फील्ड होगा। तो हमें क्या करना है, सिस्टम जनरेटेड समरी ये डाउनलोड कर लेनी है, इसमें आराम से एक एक फिगर चेक करनी है। यहाँ पर टेबल 4 मिलेगी, 8825717550, तो यहाँ पर 17550। अब मैं ये वाला फिगर क्लेम करूंगा और इसको मैं कंफर्म करते हुए, सेव करते हुए यहाँ पर फाइनल कर दूंगा, सेव 3B, सेव GSTR 3B। अब ये मेरी डाटा यहाँ पर सेव हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम भी आप एक बार समझ लीजिए, तो इसमें क्या होगा, कंसाइज हो जाएगी इस वाली वीडियो में कि पूरी रिटर्न कैसे फाइल करें, क्योंकि मैं यहाँ पर लाइव रिटर्न फाइल करूंगा। अब मेरी ये वैल्यू आती है 5 वाली। पहले भी क्वेश्चन आया था कि सर हमने अगर परचेज किया, जैसे मेरी आउटवर्ड सप्लाई नेल रेटेड है, एग्जेम्प्टेड है या नॉन GST, कहने का मतलब है उस पर GST नहीं पे करते हैं आप, तो उसके अगेंस्ट में आपको परचेज भी डालना मैंडेटरी है। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि आप सेल की वैल्यू डालते जा रहे हैं, परचेज आप डाल नहीं रहे हैं, तो उसके लिए भी डिपार्टमेंट से नोटिस आया कि सर आप ऐसी कौन से आइटम में डील कर रहे हैं, क्या आप सप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर हमें आकर रिप्लाई सबमिट कीजिए। हालांकि रिप्लाई सबमिट हो गया है, केस भी 100% सोल्ड हो गया है, बट लेकिन फिर भी एक तो टाइम की प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका जो टाइम है वो भी खराब होगा, डिपार्टमेंट में आप जाएंगे रिप्लाई सबमिट करेंगे, तो उन अननेसेसरी चीज़ों से बचने के लिए आप रिटर्न को सही तरीके से फाइल करें। यहाँ पर मैंने दोबारा से एक बार पहले भी बताया था, दोबारा से भी बता देता हूँ, पहले हम बात करेंगे नॉन GST सप्लाई, ठीक है, एग्जेम्प्टेड नील रेटेड और नॉन GST, इन तीनों की डेफिनेशन GST एक्ट में प्रॉपर लिखी गई है, आप जाकर GST एक्ट में इनकी जो डेफिनेशन है वो एक बार अच्छे से रीड करें, फिर उसमें डिसाइड करें कि आपकी जो सप्लाई है, इनवॉइस की बात कर रहे हैं हम, यानी कि परचेज, इंटर स्टेट मतलब दूसरे स्टेट से है जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन है, इंट्रा मतलब लोकल, कि लोकल के लोकल आप ये परचेज कर रहे हैं।
उससे ऊपर क्या है, फ्रॉम ए सप्लायर अंडर, अगर वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है या फिर एग्जाम्ड है या रिलेटेड, इन तीनों के लिए इन्होंने एक कॉमन चीज यहाँ पर दे दिया है। अब यहाँ पर आपको फिर दोबारा से दो जगह बाइफरकेट करके दिखाया है, इंटर स्टेट दूसरे स्टेट से, इंट्रा स्टेट मतलब लोकल सप्लाई, अगर कोई भी वैल्यू नहीं है तो फिर जीरो कर दी, जैसे हमारे केस में कोई भी ऐसा नहीं है, हमारे जो टैक्सेबल सेल्स सबकी सब टैक्सेबल सेल है, तो मैं इसको यहाँ पर जीरो कर देता हूँ। अब यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट का पोर्शन, इंटरेस्ट वाला पोर्शन आएगा, बेसिकली जो इंटरेस्ट होता है वो लास्ट मंथ के बेसिस पर यहाँ पर कैलकुलेट होके ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग और इसको डाटा के साथ ही फाइल कीजिए, तब तो रहेगा बेटर। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में, वैसे तो यहाँ पर काफ़ी मिनिमम फिगर्स है, फिगर्स का भी यहाँ पर रोल काफ़ी होता है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा होती हैं तो नोटिस आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर पिछले महीने आपने लेट फाइल की थी, उसकी लेट फीस आ रही है, तो इंटरेस्ट भी साथ के साथ पे करते हुए उसे कन्फर्म करें, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है, प्रोसीड टू पेमेंट पर, उसके बाद ये विंडोज आपके सामने आएगी, बस फिर तो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जो भी डाटा है सेल परचेज का ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होगा, हालांकि एडजस्टमेंट के रूल्स होते हैं कि प्रायोरिटी बेसिस ही एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली होता है, पर इसके जीएसटी में स्पेसिफाइड रूल होते हैं कि आईजीएसटी से होगा, फिर सीजीएसटी से होगा, फिर एसजीएसटी से होगा। प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे, ओटीपी से या ईबीसी से इसको यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे, या फिर अगर ओटीपी ईबीसी नहीं है तो यहाँ पर डीएससी से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो डाटा आपका वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई होते ही मतलब रिटर्न आपकी सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, अब इसमें कोई भी चेंज हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था, मैंने आपको बता दिया कि जब तक ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, वैसे तो अप्रैल के लिए हो सकता है मई के लिए ना आए, बट 24 से पहले पहले आपको रिटर्न भरनी है और इसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं आया है। तो इस तरह से आपको इसको सोल्व करना है, मैटर को 3B डाउनलोड करके उसमें जो वैल्यू आ रही है उसको चेक कर लेना है, अगर डिफरेंस आ रहा है तो टैक्स को जमा करा देना है, फिर आपको नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। हो सकता है कि वेंडर ने टाइमली रिटर्न फाइल ना की हो। उसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, चैनल पर काफी सारे वीडियोज को अपलोड किया गया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें पर वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो